हरियाणा में एनएलडी की महिला विंग ने चुनरी चौपाल की शुरुआत की है। सिरसा के डबवाली से एनएलडी विधायक नैना चौटाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नैना जी, क्या है चुनरी चौपाल? ये चुनरी चौपाल है महिलाओं के बिल्कुल मन की बात की। हम एक गांव में जाएंगे, जितने भी हिसार लोकसभा के जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नौ है, नौ में जाएंगे, एक एक गांव चुनेंगे हम लोग। वहां जाके महिलाओं से मिलेंगे, महिलाओं के मन की बात निकालेंगे भी महिलाएं संगठन को आगे लाने के लिए क्या कर सकती हैं। मैं उनसे पूछूंगी, फिर मैं सीखूंगी उनसे। आपके बेटे हिसार से सांसद हैं, इसीलिए शायद हिसार लोकसभा क्षेत्र को आपने चुना। पार्टी का काम पूरे प्रदेश में देखना है, तो क्या पूरे प्रदेश में चुनरी चौपाल की शुरुआत की जाएगी? बिल्कुल करेंगे। कोई काम को शुरू करने के लिए पहले धीरे धीरे ही करना चाहिए। अगर बहुत तेज चलेंगे तो शायद हम फिसल ना जाए, तो बिल्कुल धीरे चलूंगी। और अगर मैं हिसार में कामयाब होगी तो मैं आगे भी करूंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर आपने सवाल पैदा किए हैं, एक जो सवाल या निशान है वो सरकार की मुहिम पर लगाने का काम किया है, क्यों आप ये सवाल सामने रख रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा नारा दिया है, और मैं ये कहती हूँ कि या तो ये नारा देते नहीं, देते तो कुछ तो बेटियों के लिए करके दिखाते। आप खुद गवाओ, इतने लोग गवाए, इतनी औरतें गवाए, भी बेटियों के लिए इन लोगों ने क्या किया सिवाय अपराध, बलात्कार, किडनैपिंग, और तो और इनके जो खुद के लीडर हैं उनके बच्चे भी महिलाओं पे अत्याचार कर रहे हैं, तो कहां हरियाणा की महिलाएं सुरक्षित है? नैना जी, टोल के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत एनएलडी करने जा रही है, आप महिलाओं को उसके साथ जोड़ने के लिए, आंदोलन में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एक सिग्नेचर अभियान की शुरुआत की जा रही है, क्या है सिग्नेचर अभियान और किस तरीके से टोल के खिलाफ ये आंदोलन एनएलडी खड़ा करेगी? टोल के खिलाफ जो आंदोलन है वो दुष्यंत हिसार से सांसद है, उसने ये स्टार्ट किया कि जो परिधि होती है शायद 10 किलोमीटर की होती है, तो हांसी से हिसार का जो टोल है वो 4 किलोमीटर आता है, यहाँ से जिंदल स्कूल से लेके वो 3 किलोमीटर के अंडर आता है, तो 10 किलोमीटर से पहले आप टोल नहीं लगा सकते। उसी टोल प्लाजा को हटाने के लिए दुष्यंत ने एक अभियान चलाया, शायद 1 दिसंबर तक अल्टीमेट भी दिया उसने, अगर उसके बाद ये टोल नहीं हटा तो दुष्यंत आंदोलन करेगा, अगर महिलाओं की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके साथ आऊंगी। दो टूक अंदाज में यहाँ पर ये कह दिया गया है नैना चौटाला की तरफ से कि महिलाओं की भागीदारी आंदोलन में रहेगी, अगर टोल के खिलाफ आंदोलन आगे बढ़ता है तो पार्टी उसके लिए तैयार है और महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी उसमें रही, इसके लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।